सिया राममय सब जग जानी, अकरहु प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम हिंदी जगत में, हिंदी काव्य में सबसे प्रथम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कवि बाद में थे और भक्त पहले थे, इसलिए उनकी सभी कृतियों में राम के प्रति अविचल निष्ठा देखने को मिलती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं में से श्री रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, राम अज्ञाप्रस्थ, दोहावली, पार्वती मंगल, रामलला नहचु, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण और विनय पत्रिका है। संबत सोरह सव एक तीसा, करहुं कथा हरि पद धरि सीसा। इस दोहे के अनुसार, क्योंकि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं, और इसके अनुसार श्री रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में हुई थी। चौपाई, दोहा, छंद में 7 कांडों में रचित इस महाकाव्य में श्री राम कथा का वर्णन है। श्री राम कथा अर्थात एक जीवन दर्शन है। तुलसीदास जी के जीवन वृत्त और युगिन संदर्भों के यथार्थ वर्णन के संदर्भ में कवितावली का प्रमुख महत्व है। इसमें भी 7 कांड हैं। गीतावली तुलसीदास के फुटकर गीतों का संग्रह है, इसलिए इसे पदावली भी कहते हैं। मानस की तरह इसमें भी 7 कांड है। इसमें राम कथा वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। गीत रचना होने के कारण गीतावली की भाषा मजी हुई और भाव प्रवण है। दोहावली में 573 दोहों का संग्रह है। इनमें मानस के 75 दोहे, राम आज्ञा प्रश्न के 35 दोहे, तुलसी सत्संज्ञा के 132 दोहे और 7 दोहे वैराग्य संदीपनी के मिले हुए हैं। ठीक उसी तरह पार्वती मंगल और जानकी मंगल मंगल काव्य रचनाएं हैं। पार्वती मंगल में शिव और माता पार्वती और जानकी मंगल में श्री राम और सीता मैया के विवाह का वर्णन है। दोनों रचनाओं पर श्री रामचरितमानस की छाया है। रामलला नहचु 20 छंदों की सबसे छोटी रचना है। उसी तरह से श्री कृष्ण गीतावली श्री कृष्ण के चरित्र संबंधी रचना है। इसमें विभिन्न राग रागनियों के 61 छंद हैं। भाषा ब्रज है। राम आज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग में 7-7 दोहों के 7-7 सप्तक हैं। कुल 345 दोहे हैं। बरवे रामायण बरवे छंद में लिखी राम कथा है। इसमें भी 7 कांड हैं। श्री रामचरितमानस के बाद तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचना विनय पत्रिका है। इसमें भक्ति और आत्मनिवेदन के 279 पद हैं, जो विविध राग रागनियों में लिखे गए हैं। यह तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। प्रबंध काव्य की दृष्टि से यदि श्री रामचरितमानस सर्वोत्कृष्ट रचना है, तो गीति काव्य की दृष्टि से विनय पत्रिका अद्वितीय है। श्री रामचरितमानस सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास और हिंदी शास्त्र और भारतीय दर्शन ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व में एक जनमानस को जगाने के लिए जीवन दर्शन, भक्ति दर्शन, प्रेम दर्शन और हरि दर्शन का साक्षात स्वरूप है। श्री रामचरितमानस सबसे महत्व और जीवन के हर क्षेत्र को छूती हुई एक काव्य है, जिसमें युद्ध नीति, परिवार नीति, जीवन की हर एक नीति का बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन है। इस तरह से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के कुल लगभग 12 जो है रचनाएं हैं, जो फिर से एक बार हम लोग देख लें।
सबसे पहला और महत्वपूर्ण है श्री रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्न, दोहावली, पार्वती मंगल, राम लला नहचु, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण और विनय पत्रिका। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।